हेलो गाइस, दिस इज़ अनिल एंड यू आर वाचिंग एकेडी टेक्निकल। आप में से काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड नहीं आ रहा है प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर सर्विसेज नहीं चल रही हुआवे के फ़ोन्स में या नोवा 7i में। तो उसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें एक रिस्क है। वो ये है कि गूगल की मर्ज़ी है वो रजिस्टर करे या नहीं, हम उससे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी होगी डिवाइस आईडी एपीके की, तो वो आप यहाँ पर पेस्ट करो और यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगी ड्राइव गूगल नाम से। तो वहाँ पर आप इस एरो को दबा के पैकेज इंस्टॉलर को दबाओगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप ये डाउनलोड कर लो। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद से सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल सर्विस फ्रेमवर्क, इसे हम करते हैं कॉपी। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक दी होगी जो कि है रजिस्ट्रेशन की, गूगल रजिस्टर प्ले प्रोटेक्ट वाली। तो डिवाइस रजिस्ट्रेशन में आप उस लिंक ओपन करो और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट, नॉट ए रोबोट को क्लिक करो। यहाँ पर कुछ कैप्शन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है जो हमने वो कॉपी किया था। तो यहाँ पर हम आगे कॉपी करेंगे इसे एंड देन यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे। देन आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है और 15 से 20 मिनट आपको वेट करना होगा। 15 से 20 मिनट में ये कंफर्म हो जाता है। तो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद आप प्ले स्टोर ओपन करना, और अगर सर्टिफाइड हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपके मोबाइल्स में नहीं चल सकती सर्विसेज। तो आप जो है वो मेरी जो रिसेंट अपलोडिंग है उसमें आप देखकर ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्ले स्टोर आप नहीं चला पाओगे। कुछ फ़ोन्स में आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्स, तो इसका मतलब यही है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन गूगल ने खुद इसे अलाउ नहीं किया हुआ कि आप सर्विसेज हमारी यूज़ करें। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चाइना और अमेरिकन की है ये बात सारी, तो हम बीच में नहीं आ सकते। सो अगर आप लकी हो गए या आपका लक होगा तो ये सर्विसेज अलाउ हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कि आपका मसला सॉल्व हुआ या नहीं। Thanks for watching.